Hey, what's up YouTube family? Welcome back to another video and I am your host Nikhil Kohli और आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा जल के बारे में और ये इसको हम कैसे यूज़ करके अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इस ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। अगर आपको लगता है कि और एलोवेरा जेल वाली वीडियोज़ जैसी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और उसके साथ साथ बताऊँगा कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो उनको इसका बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहा, और साथ साथ हम बात करेंगे जो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं क्या वो ज़्यादा अच्छा होता है जो आपको पैकिंग में मिलता है या जो ऑर्गेनिक होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इन दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एलोवेरा जल लगा के आपके पिंपल्स आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ आपका स्किन केयर रूटीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, चाहे आप ये लगा लो या कुछ भी लगा लो, आपके पिंपल्स बढ़ते जाएंगे, स्किन आपकी ख़राब होती जाएगी। सिर्फ एक चीज़ करने से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, ना ही कुछ इम्प्रूव होता है। जैसे कि अगर आप वो 90% चीज़ें गलत कर रहे हो और 10% चीज़ सही कर रहे हो तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 90% ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपकी स्किन ख़राब होती ही जाएगी। सो जैसे कि बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे कि ये मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं उस पर कि उनसे रिजल्ट नहीं मिला है, तो रिजल्ट आपको इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आप अपना स्किन केयर रूटीन सही नहीं रख रहे हो। स्किन केयर रूटीन के बारे में बता दूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। स्किन केयर रूटीन से मेरा मतलब है, स्किन केयर रूटीन गाइस आपको जैसे पता ही होगा, स्किन केयर रूटीन आपको वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा रखना, आपका फूड अपना अच्छा खाएं, ये नहीं कि ऑयली बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फैट, ये सब चीज़ें ना खाएं। थोड़ा डाइट में ज़्यादा फोकस करें, वर्कआउट करें या थोड़ा बहुत दौड़ लें, थोड़ा पसीना निकालें, यू नो स्वेटिंग होनी चाहिए, तब जाकर आपके पोर्स ज़्यादा खुलेंगे और आपका जो डस्ट होगा जो जमा वो निकलेगा। और सोने से पहले अपना फेस धोएं, फेस वॉश यूज़ ना करें, क्लींजर से अपना फेस वॉश करें, और हाँ सबसे मेन मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। जैसे अगर धूप में आप बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी बाहर जाता हूँ अपने मुंह पे कपड़ा बांध लेता हूँ या कुछ, बहुत ही कम जगह पर अपना फेस को ओपन रखता हूँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है आपको फेस को यू नो दिखाना। तो अगर आप बाइक पर जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो आप मेक श्योर कि मुंह पे ढक के जाओ, कुछ ना कुछ अपने पहन के जाओ, वही आपके लिए बेहतर होगा। खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। मेरी कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो इससे ही सही हुई है। यस, इसी से सही हुई है मेरा स्किन। मैं ऐसे झूठ नहीं बोला, मेरे पे पहले से ही बहुत है, जैसे आप देख सकते हो और ये देख सकते हो, तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और ऑर्गेनिक रूप में भी यूज़ करता हूँ, अपने घर पर मेरे लगा हुआ है। सो कौन सी क्या इसका रूटीन है, कैसे इसे यूज़ करना चाहिए, इस बारे में बात करूँगा, क्योंकि अगर आपको रूटीन नहीं पता कि इसे कैसे यूज़ करना है तो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि जो भी मैं इसमें बताऊँ आपको अच्छे से समझ आए और उस चीज़ को फॉलो करके आप भी अपनी स्किन को बेहतर बना सकें। स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि क्या होगा कोई भी नई वीडियो में डालूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे सबसे पहले वो वीडियो आप देख सकते हो। सो गाइस, अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है ये आपको लगाना चाहिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने फोटो लगाई है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन ख़राब हो चुकी थी और मेरे पिंपल्स हो चुके थे और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डार्क थी क्योंकि सन टैनिंग हो चुकी थी। तो सबसे पहले अगर आपको सन टैनिंग हटानी है या अपनी स्किन को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको सन से अपनी स्किन को बचाना पड़ेगा। तो मैंने भी किया, मैंने अपने मुंह में कपड़ा बांधा, जितना हो सका अपनी स्किन को बचाया और वो जल्दी से जल्दी इंप्रूव होती गई, और उसके साथ साथ मैंने एलोवेरा जल लगाया रात में और मेरा जो स्किन रूटीन था वो भी मैंने फॉलो किया। तो सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले बेनिफिट्स की हम बात करते हैं कि हमारे स्किन के लिए क्या क्या यू नो बेनिफिट्स देता है। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, इसमें विटामिन ई और विटामिन सी होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी स्किन को, जैसे यू नो रैशेज, जो सनबर्न से प्रॉब्लम होती है, और हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा तेज करते हैं। जैसे कट हो गया, कुछ कट गया या जल गया, तो सबसे पहले आप इसको लगाइए जो और दवाइयों से अच्छा, तो ये ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा उस चीज़ में। इसमें एंजाइम होते हैं, एंजाइम से मेरा मतलब है जैसे कि अगर आप इसे ओरली लेते हो एक स्पून में पानी के साथ मिला के ले सकते हो इसको आप, और ये कैसे हेल्प करेगा, जब आप इसको खाते हो तो इसमें एंजाइम होते हैं जो आपकी फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, और आपका फूड ब्रेक डाउन होगा प्रोटीन में, प्रोटीन होता है अमीनो एसिड में, और आपके अमीनो एसिड मिलता है सेल्स को जो कि आपकी स्किन और आपके फुल बॉडी को, जो भी जितने भी इसमें सेल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करता है, नए सेल्स जनरेट करता है, जिससे कि आपकी स्किन जल्दी से हील होती है और जल्दी से अच्छी और निखरती है, ब्राइटर होती रहती है, होल बॉडी आपकी अच्छी से डेवलप होना स्टार्ट होती है सेल्स अगर
आपके अच्छे होंगे तो ये आपकी स्किन को स्मूथ बना देगा। जो भी आपकी स्किन जली हुई है, जो डस्ट है, डार्क स्पॉट है, एक्ने है, उसकी प्रॉब्लम ठीक करते रहेगा। शर्त यह है, स्किन आपका रूटीन अच्छा होना चाहिए। आपके एक्ने की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपके डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी रेडनेस जो सन बर्निंग से आपकी रेड हो जाती है स्किन, सन टैनिंग हो जाती है, वो ठीक हो जाएगा। आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, स्मूथ रहेगी और आपकी स्किन में मॉइस्चर बना रहेगा। जब आप इसको ओरली लेते हो तो आपका इंप्रूव होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑल्सो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सो गाइस ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सो गाइस अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक वाला ज़्यादा अच्छा होता है या जो पैकेट्स में मिलते हैं या आपको जो पैकिंग में मिलते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई भी चीज़ को लंबे समय तक बचाया जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जा रहा है। ये आप सोचो, अगर ये एलोवेरा जेल है, अगर नॉर्मल सी बात है ऑर्गेनिक जो जेल होगा ना, ये 4-5 दिन चलेगा, उसके बाद एक ऑटोमेटिकली सड़ने लगेगा। अगर इसके अंदर एलोवेरा जेल है, अगर उसको बचाने के लिए लंबे समय तक चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिलाया जा रहा होगा ना, राइट? और वो आप अपनी स्किन पे भी लगा रहे हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कुछ केमिकल होंगे, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट कहीं ना कहीं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होंगे। रात भर लगाना बहुत ज़्यादा गलत होगा, बट दिन के टाइम पर आप 15-20 मिनट के लगा रहे हो तो उतना हार्मफुल नहीं है। बट हाँ, उससे फ़ायदा तो होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा, बट उसमें जो केमिकल मिले कहीं ना कहीं उससे नुकसान भी हो सकता है। बट जो ऑर्गेनिक चीज़ है उसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता, राइट? सो इसको लगाओ, रात भर लगाओ, 5-6 दिन लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब गलत चीज़ नहीं होगी आपकी स्किन को, बस बेनिफिट ही बेनिफिट होने वाले हैं इससे। सो मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट है। आई नो थोड़ा बहुत झमेला होता है, बट इसको काट के अपना फ्रिज में रखो और लगाओ आराम से। रात का सवाल है, रात भर 8 आवर्स आपको लगा के सोना है तो ऑर्गेनिक लगा के सोई। ये आप कब लगा सकते हो? दिन के टाइम पे, नहाने से पहले, नहाने के बाद, ये सब। सो अब मैं बताता हूँ कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले क्लींजर, कोई भी क्लींजर ले सकते हो। यहाँ पे मैं D10 क्लींजर यूज़ करता हूँ, मेरा फेवरेट है और मैंने बहुत स्टार्टिंग से 1 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने अभी तक 3-4-5 ऐसे खरीद चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो सबसे पहले अपना फेस वॉश इससे वॉश करना है। रात में सोने से पहले हम इसका फेस वॉश करके सोएं, क्लींजर यूज़ करें, कोई भी क्लींजर चलेगा। रिकमेंड करता हूँ मैं ये वाला, अगर आप लड़के हो तो ये यूज़ करें, अगर लड़की हो तो कोई भी एक अच्छा सा मार्केट से क्लींजर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लगाना है। रात की बात कर रहा हूँ, अगर दिन में है तो आप नॉर्मल सा ये वाला यूज़ कर सकते हो, 15-20 मिनट के लिए आपको लगाना है। तो रात में अगर सो रहे हो तो क्लींजर से फेस वॉश करना है, उसके बाद ये लगाना है, रात भर अच्छे से अपनी पूरी सी मोटी सी परत में लगा के सो जाएं, ठीक है। सुबह जब होगी फेस वॉश करें, क्लींजर से दोबारा, क्लींजर से फेस वॉश करें, उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। तो मॉइस्चराइज कैसे करेंगे, हम मॉइस्चराइज क्रीम से। सो यहाँ पे हम मेरे पे न्यूट्रीजिना का मॉइस्चराइजर क्रीम, ऑयल फ्री मॉइस्चर, ये यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होता है कि जब अपनी स्किन पे लगाते हो ना, जो कि आपकी स्किन को जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो आपकी स्किन को मिलते हैं जो कि ये मॉइस्चराइजर क्रीम से आपको मिलेगा। सो इसको लगाना है अच्छे से और आपकी स्किन भी एक लेयर जैसी बन जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है न्यूट्रीजिना का, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसका रिव्यू नहीं दिया, बट इन फ्यूचर मैं इसका रिव्यू भी दूंगा। सो अपनी स्किन पे लगाइए, आपकी परत जैसी जम जाएगी, लेयर जैसी जम जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो आपकी स्किन निखरती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आपका स्किन रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। दिन में जैसे मैंने बोला कि आपको जो आपका डाइट है वो, और डाइट और वाटर का इंटेक वो आपको सही रखना है बस, और कुछ नहीं है। और D10 क्लींजर यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से खरीद सकते हो। न्यूट्रीजिना का भी ये लिंक मैं नीचे दे दूंगा और एलोवेरा की भी, पतंजलि का ये भी दे दूंगा, अगर आपको खरीदना चाहते हो तो नीचे से लिंक में जाके खरीद सकते हो। ये था वीडियो एलोवेरा जेल के बारे में, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। अभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। नहीं तो कमेंट पे भी मैसेज करोगे तो मैं वहां पे भी रिप्लाई करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।